बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम सऊदी अरबिया क्या तमाम अरब कंट्रीज़ में रहने वाले भाइयों को, भाई जुलहज का चांद मुबारक हो। आज चांद दिखाई दे चुका है, मैं आपके साथ शॉर्ट सी एक वीडियो शेयर कर दूंगा। यहाँ पर आपको एक ट्वीट दिखा देता हूँ और आपको थोड़ा पढ़कर सुना देता हूँ, यानी कि हज किस दिन होगा और ईद किस दिन होगी ये आपके साथ कन्फर्म करना चाहता हूँ। बाकी चांद आज नज़र आ चुका है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, यौमुल जुमा 8 जुलाई लिखा हुआ है, 8 जुलाई को हज पढ़ा जाएगा, यौम अरफात होगा यानी कि, और ये फ्राइडे वाले दिन होगा, जुमे वाले दिन इस साल भाई हज पढ़ा जाएगा, यानी कि जुमा एंड हज का खुतबा मिलाकर पढ़ा जाएगा, और ये इसे अकबरी हज बोला जाता है, जो कि तकरीबन 7-8 साल पहले जब मैंने हज किया था उस टाइम ये अकबरी हज आया था। उसके बाद अभी कुछ तकरीबन 8 साल बाद ये दोबारा से भाई अकबरी हज आया, तो बहरहाल अकबरी हज होगा। और नीचे देख लें और नीचे लिखा हुआ है वा ईद अल ज़ुहा यौमुल सब 9 जुलाई, यानी कि 9 जुलाई को ईद पढ़ी जाएगी सऊदी अरेबिया में। 9 हफ्ते वाले दिन की ईद है जी, और जुमे वाले दिन का यानी कि हज है और हफ्ते वाले दिन की ईद है, और पाकिस्तान में जाहिर सी बात है आतवार वाले दिन की ईद हम मनाएंगे। इस टाइम आपको पता ही मैं पाकिस्तान में इस वक्त हूँ।